जालन्यात गावठी पिस्तूलचा धाक दाखवून 7 लाखाची रोकड लुटल्याची घटना उघडकीस आली आहे। शहरातील गोल्डन जुबली शाळेसमोर रात्री 8 वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडाली। शहरातील साखरेचे व्यापारी असलेले अमित कुमार अशोक कुमार अग्रवाल यांनी नवीन मुंढा भागात तिरुपती ट्रेडर्स हे दुकान 8 वाजेच्या सुमारास बंद करून 6,92,000ची रोकड स्कूटीच्या डिक्कीत ठेवून घराकडे जात असताना गोल्डन जुबली शाळेसमोर दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी त्यांना अडवून गावठी पिस्तुलाचा धाक दाखवून स्कूटीवरून खाली पाडत रोकड असलेली स्कूटी घेऊन पसार झाले। घटनेची माहिती मिळताच शहराचे पोलीस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू, सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर पायघन यांच्यासह पोलीस अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले आहेत। तर या घटनेने व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे। गोल्डन जुबली के रोड से अपना सीधा अपना निकला, थानवी साहब के घर के बाजू में से निकले, स्ट्रेट गोल्डन जुबली के पास से निकला। गोल्डन जुबली के पास से एक गड्ढा आया, वहाँ पे उन्होंने ओवरटेक किए। ओवरटेक करने के बाद में हाथों हाथ पैर पे रॉड से मारे। उसके बाद में चाबी मांगे, चाबी दिया नहीं मैंने, तो हाथ पे मारे। हाथ पे मारने के बाद वापस चाबी मांगे, दिया नहीं तो सिर पे रिवॉल्वर रखे। उसके बाद में चाबी दे दिया मैंने। 6,92,000 मेरे एक्टिवा 125 ब्लू कलर। बॉस ने मीटिंग बुलाई क्या यार? आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।